आप किससे खतरा है आपकी जान को? मेरी जान को। सिक्योरिटी क्यों मांग रही हैं आप? ये तो फिर कल जब मेरा केस मतलब कल का है, कल मैं आऊंगी इंशाल्लाह, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगी। वैसे कोई ऐसी बात हुई हो कोई? या हमने बहुत सारे प्रूफ, बहुत सारे एविडेंस और बहुत सारी चीजें कोर्ट में दे दी हैं, अब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, अब कोर्ट का काम है इन्वेस्टिगेशन। आप तो पाकिस्तान से वैसे शिफ्ट हो रही हैं तो फिर यहाँ? नहीं, मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ ऑलरेडी। फिर यहाँ की सिक्योरिटी चाहिए आपको? मुझे टेम्परेरी तो हो ना। या परमानेंटली नहीं हो, लेकिन टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए तो हो ना। तो हुकूमत से आपने रजू नहीं किया था सिक्योरिटी फराहम करने के लिए? हमने किया हुआ है, मेरे वकील साहब ने सबको लेटर्स लिखे हुए हैं, आईजी को और जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, लाइक जो इस लाइक जितने भी मुंसलिक हैं उसके साथ। उन्होंने इनकार कर दिया? नहीं, उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने बकायदा हमें ईमेल किए और बकायदा उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड किए और उन्होंने कहा है कि हम इस पे इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किए, हमें लाइक हमारी चीज़ों को इग्नोर नहीं किया। जैसे ही उनको हमारा ईमेल और हमारी चीज़ें वसूल हुई हैं तो उन्होंने हमारे वकील से फौरन रजू किया था, कॉल के थ्रू भी किए बकायदा और ईमेल के थ्रू भी किए। सिक्योरिटी तो आपके साथ मौजूद है, इनके होते हुए पुलिस आपको क्यों चाहिए? या प्रोटोकॉल चाहिए आपको? नहीं, मुझे प्रोटोकॉल की कोई जरूरत नहीं है, मैं मेरी इतनी हैसियत और इतना वो नहीं है। जितने भी बंस लिखे हैं सर उसके साथ। उन्होंने इनकार कर दिया? नहीं, उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने बकायदा हमें ईमेल की है और बकायदा उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड की है और उन्होंने कहा है कि हम इस पे इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, हमें लाइक हमारी चीज़ों को इग्नोर नहीं किया। जैसे ही उनको हमारा ईमेल और हमारी चीज़ें वसूल हुई हैं तो उन्होंने हमारे वकील से फौरन रजू किया था, कॉल के थ्रू भी किए बकायदा और ईमेल के थ्रू भी किए। सिक्योरिटी तो आपके साथ मौजूद है, इनके होते हुए पुलिस आपको क्यों चाहिए? या प्रोटोकॉल चाहिए आपको? नहीं, मुझे प्रोटोकॉल की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेरी इतनी हैसियत और इतना वो नहीं है कि मैं प्रोटोकॉल के लिए वो करूं। वैसे भी मेरे ख्याल में अल्लाह तबारक व तआला को आजिज़ी बहुत पसंद है और जब हम इन चीज़ों में घुसते हैं या इस तरफ हमारा जहन जाता है तो ये चीज़ें मुनासिब नहीं है, तो प्रोटोकॉल वाली बात नहीं है। और आपको वैसे भी पता है मुझे बहुत पहले से थ्रेट्स हैं, इसलिए मैं पाकिस्तान में रह भी नहीं रही। और ये नहीं कि डर की वजह से या मेरे साथ मेरी फैमिली सारी डिस्टर्ब होती है, और जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मतलब अभी के नहीं है, मेरे पॉलिटिकल बहुत सारे थ्रेट्स हैं, अगर उस हवाले से भी देखा जाए मेरे बहुत सारी पार्टीज़ के साथ और बहुत एलीट क्लास लोगों के साथ पंगे चल रहे हैं, तो जिनकी वजह से उनकी तरफ से भी मुझे बहुत पंगे चल रहे हैं। या जाहिर है जैसा वो करते हैं तो मैं फिर उनके साथ डट के उनका मुकाबला करती हूँ, तो मैं झुकती तो हूँ नहीं या उस तरह, तो ना हाइप होती हूँ, पंगा फिर बराबरी का चलता है।